लोग हैं जिन्होंने जो विशाखा दीदी के माध्यम से ऑनलाइन ही जुड़े हैं, देखो बताया कि एक व्यक्ति होता है कंजूस, एक होता है उदार। जो केवल खुद भजन करके अपना उधार कर रहा है वो तो है कंजूस, लेकिन जो दूसरों को भजन करके लगा रहा है वो है उदार। तो पुष्पा दीदी, सुबह 4:30 से 6:30 कंटिन्यूस माला कराई है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इनके उससे बहुत सारी अष्टकम भी याद कर ली है, क्योंकि रोज सुबह ये लोग आधा घंटा अष्टकम भी गाते हैं। कोई घर संसार नहीं, पति है, इनके दो बेटे हैं, सास ससुर है, ये सबको ऐसे नहीं किसको घर में खुश नहीं करके केवल भक्ति केवल भक्ति भक्ति करते, ऐसे नहीं, सब तो उनको घर में जाकर पूछो सब खुश उसको घर में, पति भी खुश है क्योंकि पति की सेवा भी करती है। और इनके दो बच्चे, ऐसे नहीं बच्चे नहीं, दो बच्चे भी है, दो बच्चों को पढ़ाया लिखाया करती है, है? उसको साथ में सास ससुर, तो इतने खुश से मैं जाता हूँ इनके घर में, हम जब जाते हैं अब सोच नहीं सकते इतने सेवा करती, इसको पंचम मुंह में भी इसका नाम इसकी महिमा गाओ ना, मैं तो था नहीं पाओगी, इतनी अच्छी नेचर के। अभी रो रही थी ना, उसका सम्मान कर रहे थे, नहीं बोले कपड़ा राधा रानी को दो, लेकिन अभी रो रही थी। ऐसे व्यक्ति भक्ति कर सकते हैं, इसलिए आप लोग भी हम चाहते हैं, अगर आप लोग एक एक विशाखा दीदी बन जाओगे ना, महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी में घर घर में गाँव गाँव में कुंज कुंज में क्या होगा, भगवान का नाम गुंज उठेगा। सचमुच से हमारा पूरा भारत महाप्रभु का यही इच्छा है। देखो प्रभुपाद को किसने बताए, बोले प्रभुपाद हम चाहते हैं हर शहर शहर में एक गौड़ीय मठ हो जाए, बाई इस्कॉन मंदिर हो जाए। प्रभुपाद ने कहा, बोले तुम शहर शहर में क्यों सोच रहे हो, मैं तो सोच रहा हूँ हर गांव गांव क्या बन जाए, हर गांव गांव में ये मंदिर बन जाए, घर गांव गांव में भगवान की मंदिर बन जाए, गौड़ीय मठ बन जाए। प्रभुपाद कहते हर गाँव गाँव में नहीं, हाँ तो प्रभुपाद कहते हर गाँव गाँव में नहीं, हर गली गली में। प्रभुपाद कहते हर गली गली में नहीं, हर घर घर में। प्रभुपाद कहते हर घर घर में नहीं, हर एक व्यक्ति भगवान की मंदिर, हर एक व्यक्ति मंदिर बन जाए। और ये प्रभुपाद के बहुत बड़ा स्वप्न है और महाप्रभु का यही इच्छा है, संपूर्ण दुनिया कृष्ण भक्ति रस में डूब जाए। ठीक है, अगर आप लोग बेड़ा उठाओगे ना, ब्रज में आए हो, कुछ ले करके जाओ, कुछ दे करके जाओ, यहाँ से क्या लेकर जाओगे? अब एक तो जो विशाखा दीदी में ग्रुप में जुड़े नहीं हो जरूर जुड़ो, और जो पुरुष लोग हैं हमारे श्री सुंदर गोपाल प्रभु, हम भाई लोगों को सुंदर गोपाल प्रभु देखते हैं और माताओं के श्री विशाखा दीदी देखते हैं, अब जरूर जुड़ना। आप देखना ना, अगर इनको साथ में जुड़ जाओगे तो आप एक एक विशाखा बन जाओगे। इसलिए प्रभुपाद को किसने बताए, प्रभुपाद कहते हैं जो गुरु है ना वो कभी शिष्य नहीं बनाता है, चेला नहीं बनाता है, गुरु सबको गुरु बना देता है, गुरु सबको गुरु बना देती है। इसलिए हम चाहते हैं सबके सब जुड़ो, आप भी जुड़ो, और आपका जो अड़ोसी पड़ोसी में है, आपको जो पास पास में, उनको भी भक्ति के लिए उनको भी उत्साहित करो, हैं उनको भी। जहाँ पर विशाखा दीदी जिस जहाँ पर रहती है विशाखा दीदी कहते हैं वहाँ पर श्री विशाखा दीदी हरि बोल उसको पटना से हर जो विशाखा दीदी जहाँ पर रहती है ना, आप सोच नहीं सकते, वहाँ माताओं को इन्होंने इतने ट्रेंड किया, दिन में 1-1 लाख हरिनाम, 1-1 उसको करो उसको, 1-1 लाख है ना, कहते एक विष्णु कहते विष्णु अब तो ट्रांसलेशन करता है। हाँ, इसलिए उन्होंने उन्होंने एक एक व्यक्ति को एक लाख हरिनाम कराती है विशाखा दीदी, 1-1 लाख हरिनाम कराती है, और अपना सारे क्लास देती है, देखती है, सब कुछ करते हुए भी हरिनाम करती है, सब कुछ देखती है। इसलिए आप मत समझो नहीं ये तो बाबा जी बाबा जी नहीं होगी, ऐसे नहीं, घर में भी रहती है और भगवान की भक्ति करते भजन। ठीक है, आप लोग यहाँ से पूरा का पूरा ठान लेकर के जाओ, क्या लेकर के जाओगे? हम यहाँ से जा करके एक तो जूम में जुड़ जाना यानी कि ग्रुप में, और दूसरी बात दूसरों को भी भगवान के भजन में दूसरों को भी प्रेरणा करना। ठीक है, अगली बार जो गुरु जी कहते थे जब अगली बार आओ, गुरुदेव कहते थे कम से कम एक एक व्यक्ति, कितने कितने व्यक्ति को लाओगे? 10-10 गुरुदेव कहते थे। आप बताओ अगली बार सुंदर गोपाल प्रभु का परिक्रमा में कितना लोग होनी चाहिए? अब जितने भक्त है अगर 10-10 व्यक्ति लाओगे ना 10,000। हाँ देखो, हाँ आप देखो, अगर आप किसको यहाँ लाना चाहोगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जाकर उनको कथा सुनाना पड़ेगा, हम कितने बढ़िया जगह पर गए, बढ़िया प्रसाद पाए, बिरयानी पाए और दाल बाटी चूरमा पाए, बढ़िया स्थान पर जाए, कथा सुने, कीर्तन। जब किसको उत्साहित करोगे तभी तो कोई आएगा ना, ऐसे तो नहीं आएगा, उनको भगवान के बारे में बताना पड़ेगा तभी तो आएगा ना, फिर क्या होगा?
अपने आप भगवान की कथा बोलना शुरू कर दो, जो कुछ सुने हो ध्यान से कथा सुनना और सबको जाकर के यहाँ से प्रेरणा देना, ठीक है। अगली बार हम देखेंगे हैं कौन भक्त कितने भक्तों को लेकर के आते, ठीक है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र शत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र शत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शील स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरे हेतु प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। ये जिस स्थान पे हम आए हैं, अभी हमने बड़ा ही सुंदर कीर्तन गाया था शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का, देखी थे भूली बो वा कबे निज स्थूल परिचय, नयने हेरी बो ब्रजपुर शोभा नित्य चित आनंदमय। ये जो ब्रज धाम है इसके दर्शन कब होंगे? बड़ा ही सुंदर ब्रज धाम है, इसके बड़े ही चिन्मय अपूर्व दर्शन है, लेकिन इसके दर्शन कब होते हैं? जब एक जीव अपने स्थूल लिंग देह को भूल जाता है और किस भाव में स्थित हो जाता है, उसी कीर्तन में फिर आगे बताया, वृषभानु पूरे जनम लईबो जावटे विवाह हबे, ब्रज गोपी भाव होइबे स्वभाव अन्य भाव ना रहिबे। यही हमारा परकीय रस है और ये परकीय रस का स्थान जो है ये हमारा सर्वश्रेष्ठ स्थान है। परकीय रस क्या है? कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ है या नहीं हुआ, बताया, दोनों ही बातें हैं। ब्रज के दो प्रकोष्ठ हैं, एक है आंतरिक प्रकोष्ठ और एक है बाहरी प्रकोष्ठ। जो उस गोलोक वृंदावन धाम का जो आंतरिक प्रकोष्ठ है, वहां पे भगवान कृष्ण परकीय रस का स्वाद करते हैं। परकीय रस क्या है? परकीय रस है जिसमें गोपियों का विवाह अन्य किसी गोप से हो गया है और कृष्ण उन गोपियों से कैसे मिलते हैं, फिर छिप छिप के मिलते हैं, इसको बोलते हैं परकीय रस। और सारे रसों में से सबसे श्रेष्ठ क्या है? परकीय रस है। भगवान कृष्ण रसिक शेखर है, वो सारे रसों का आस्वादन करते हैं और सबसे ऊंचा रस कौन सा है? ये परकीय रस ही सबसे ऊंचा रस है। और उसी आंतरिक प्रकोष्ठ का जो बाहर वाला प्रकोष्ठ है वृंदावन का, जहां पे ऐश्वर्य प्रधान है, वहां पे राधा कृष्ण विवाह करके ही रहते हैं। अब ये जो परकीय रस का जो स्थान है, राधा जी का जन्म होता है वृषभानुपुर बरसाना में और यहाँ पे जावट में राधा जी का विवाह होता है। ये राधा जी का स्थान है जहां पे राधा जी विवाह होने के बाद जटिला कुटिला अभिमन्यु के साथ रहती हैं। तो बताया कि परकीय रस में ऐसा क्या है जो स्वर्गीय रस से श्रेष्ठ है? तो शीला रूप गोस्वामी जी बताते हैं चार चीजें कि परकीय रस में क्या है, क्योंकि कृष्ण रसिक शेखर है। सबसे पहले बताया दुर्लभता। अब एक पति और पत्नी तो कभी भी मिल सकते हैं ना, लेकिन जहां पे राधा जी का विवाह किसी अन्य गोप से हो चुका है, अब राधा जी के लिए क्या कृष्ण से मिलना आसान है? कितनी बड़ी बड़े वहां पे समस्या है, गुरुजन है और माता पिता है, पति है, किस प्रकार से मैं मिलूं? तो वहां पे कैसे मिलती है, वो उनसे छुप छुप के मिलती है। तो ये जो प्रेम को क्या करते हैं, दुर्लभता, जहां पे मिलन बहुत दुर्लभ हो जाता है, तो वहां पे जब फिर मिलन होता है, उस मिलन में एक उत्कंठा होती है, उस मिलन में एक आनंद आता है। जैसे अभी हम लोग प्रसाद पा रहे थे, घर में तो रोज रोटी खाते हैं, अभी सब लोग क्या कह रहे थे, आधी रोटी दे दो प्रभु जी, आधी रोटी दे दो, क्योंकि वहां पे क्या था, दुर्लभता। यहाँ पे प्रेम में ऐसी वो हो जाती कि दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते, कई बार दो दिन तीन दिन बीत जाते हैं, इसको बोलते हैं दुर्लभता। जैसे देखो एक उदाहरण दिया, भौतिक उदाहरण, अभी तो सबके पास व्हाट्सएप हो गया। जब व्हाट्सएप नहीं होता था पहले, कभी किसी की चिट्ठी आती थी याद है, और उसको चिट्ठी को लोग संभाल के रखते थे। देखो मेरे दादा ने चिट्ठी भेजी, इसके ऊपर एक गाना भी था, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, कितना खुश होते थे अब कोई बोलेगा व्हाट्सएप मैसेज आया है, दिन भर आते रहते, परेशान हो जाते हैं। तो बताया कि जितना दुर्लभ होता है उतना ही प्रेम में मिलन में आनंद आता है। हमारे पूरी मठ का जो मैनेजर है, उसकी वाइफ के पास ना रोज वोडाफोन वाले फोन करते थे, तो
तो एक दिन उसके संडे का दिन था, मैनेजर ने फोन उठा लिया उसकी वाइफ पे, वोडाफोन वालों को बोला दोबारा खबरदार इस पे फोन मत करना। अब सोमवार को उसकी वाइफ सुबह से शाम तक बैठी, आज फोन क्यों नहीं आया? तो उसने बोला कि आज वोडाफोन का फोन नहीं आया। बोले मैंने मना कर दिया कस्टमर केयर को, यहाँ पे दोबारा फोन मत किया करो। बोली पूरे दिन में एक ही फोन आता था, वो भी आपने बंद करा दिया। क्यों? क्योंकि दुर्लभता, जितना दुर्लभ होता है प्रेम उतना बढ़ता है। अब राधा जी और कृष्ण का मिलन बहुत दुर्लभ हो जाता है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि राधा कृष्ण 3 दिन हो गए मिल नहीं पा रहे, तो राधा जी बैठ के कृष्ण को पत्र लिखने के लिए बैठती है। जब राधा जी कृष्ण को पत्र लिखने के लिए बैठती है, ताल पत्र पे संबोधन कर रहा है हे कृष्ण, संबोधन करने का पत्र लिखेंगी, लेकिन वो हे कृष्ण के जगह क्या करती है, अपना ही नाम हे राधे लिखना शुरू करती है। राधे का रा भी नहीं लिख पाती कि पूरी रात बीत जाती है और केवल आंसू से ही पूरा पत्र भीग जाता है। और अगले दिन ललिता क्या करती है, वो पत्र भेज देती है कृष्ण के पास। अब कृष्ण जब उस पत्र को खोलेंगे तो उसमें कुछ लिखा है या खाली है वो पत्र? खाली नहीं है। उसमें क्या कुछ लिखा है हम लोग सोच नहीं सकते, उसमें राधा जी के कितने भाव है उस पत्र को कौन समझ सकता है? केवल कृष्ण ही उसको समझ सकते हैं। और उस पत्र को खोलने के बाद कृष्ण भी फिर क्या करते हैं, परिप्रश्न अलग दूसरा पत्र लिखेंगे। कृष्ण भी पूरी रात रोते रहते हैं और केवल हाँ राधे की जगह कृष्ण संबोधन करके केवल क भी नहीं लिख पाते, वो भी रोते रहते हैं। और वही आंसू से भीगा हुआ पत्र पहुंचता है राधा जी के पास, क्योंकि प्रेम कैसा है, दोनों दुर्लभ। पर की रस में ये दुर्लभता क्या करती है, प्रेम को और वर्धित करती है। फिर बताया दुर्लभता, फिर बताया 4 चीजें हैं। पहला पर की रस में है दुर्लभता, उसके बाद क्या है निवारणता। निवारणता क्या है कि गोपियां जब कृष्ण से मिलने के लिए आती हैं तो गोपियां क्या करती हैं, कृष्ण से इतना अनायास उनको मिलने नहीं देती हैं, उनको क्या करती हैं, कृष्ण को अपने मान रूपी यंत्र के अंदर पूरा पीस देती हैं और कृष्ण को निवारण करती है। इसलिए ये जो स्थान है अभी यहाँ की बहुत सारी सुंदर हम लीलाएं सुनेंगे, कैसे जब राधा जी यहाँ पे मान कर लेती हैं तो कृष्ण क्या बन के आते हैं, एक ब्राह्मण बन के आते हैं। और ब्राह्मण बनने के बाद यहाँ पे आके सुबह सुबह बोलते हैं कि मुझे भिक्षा चाहिए, अब जिटीला कुटीला ने स्नान नहीं किया, तो वो बहू को बोलती है अरे राधा जी तूने तो स्नान कर लिया है, बाहर एक ब्राह्मण खड़ा है, तू ही जाके उसको कुछ भिक्षा दे दे। तो राधा जी हाथ में जब सीता लेके आती है दाल चावल चीनी का, और कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में खड़े हैं, और जब उनको भिक्षा देने के लिए जाती है तो कृष्ण कहते हैं कि अरे मुझे ये भिक्षा छोड़ना चाहिए, मेरे को तो तुम्हारा मान रूपी भिक्षा चाहिए। फिर राधा जी वो थाली पूरी उस ब्राह्मण के सर पे पलट देती है। तो जहां पे गोपियां कृष्ण को क्या करती है, कृष्ण का निवारण था, कृष्ण इतना आसानी नहीं है कि गोपियों से मिल पाए, इसे जगत में भी देखने को मिलता है। जब एक पुरुष और स्त्री का विवाह हो जाता है, विवाह से पहले दोनों छुप छुप के मिलते थे, अब विवाह होने के बाद छुप छुप के मिलेंगे? विवाह होने के बाद तो छुप के मिलेंगे नहीं। कृष्ण गोपियों को इशारा करते हैं, केश को दिखाएंगे, यानी कि आज कहाँ पे मिलना है, केशव कुंज में मिलना है। अपनी पद्म रागमणि को अगर इससे बार बार स्पर्श कर रहे हैं तो इसका मतलब कहाँ पे मिलना है, आज उस लाल कुंज में मिलना है। अनेक अनेक इशारों से गोपियों को बुलाते हैं। लेकिन क्या कभी शादी होने के बाद पति पत्नी छुप के मिलेंगे? क्या छुपके नहीं मिलते। तो बताया कि उसमें प्रेम क्या होता है और वर्धित होता है, और गोपियां कृष्ण को निवारण करती है। फिर तीसरा बताया जो गोपियों का सबसे मुख्य भूषण है, विशेष रूप से राधा जी आदि गोपियों का, वो है वामता। क्या है? वामता। इसको बताया कि देखो नायिकाओं के अंदर 2 प्रकार के भाव होते हैं, एक होता है वाम्य भाव, एक होता है दक्षिण भाव। वाम्य भाव जो है राधा आदि गोपियों में है, ललिता में है। वाम्य भाव का मतलब होता है जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सबमिसिव मूड एंड पोजेसिव मूड। वामे यानी कि जहां पे स्त्री जो है बहुत कृष्ण के साथ कृष्ण के ऊपर हावी हो जाती है। गोपी यदि मान करे करे भस्तन वेद स्तुति हैते से ही हरे मोर मान, जिसमें गोपियां कृष्ण के साथ फिर क्या करती है, कृष्ण की कृष्ण को अपशब्द बोलती है। कृष्ण को जब अपशब्द बोलती है तो कृष्ण को वो सुनने से क्या लगता है, कृष्ण कहते हैं मुझे बड़ा आनंद आता है, वेदों की स्तुतियां भी मेरे मन को नहीं हर पाती, जो गोपियों की जो अपशब्द है वो मेरे मन को हर लेते हैं। एक गोपी बोलती है अरे तू तो पूरा टेढ़ा ही टेढ़ा है, तीनों जगह से तो टेढ़ा है, नीचे से भी टेढ़ा, ऊपर से भी टेढ़ा और कमर से भी टेढ़ा। तो कृष्ण फिर गोपियों को बोलते हैं अच्छा मैं 3 जगह से टेढ़ा हूं, तो तुम्हारी स्वामिनी राधा जी तो 8 जगह से टेढ़ी है, उनकी भ्रूकुटी टेढ़ी है, उनका हृदय टेढ़ा है, उनकी वाणी टेढ़ी है, उनका चलन टेढ़ा है, उनकी सखियां टेढ़ी है, वो तो 8 जगह से टेढ़ी है। इस प्रकार से जब वो वाम्य भाव धारण करते हैं, दोनों का आपस में क्या होता है, एक दूसरे के साथ कभी कोई वाम्य भाव धारण करता है तो कभी कोई वाम्य भाव धारण करता है। तो बताया जिसके अंदर प्रेम जो है और वर्धित हो जाता है। मानो अगर एक पुरुष स्त्री को बोले मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, स्त्री बोले मैं प्रेम करता हूँ, तो वहां पे प्रेम की कोई महिमा नहीं रहती। इसको शिला सनातन गोस्वामी पाद जी बोलते हैं कि जो प्रेम है
ये प्रेम का दीपक दोनों के हृदय में जल रहा है, लेकिन अगर इसको वो मुख से बोल देंगे तो वो हृदय में जो जल रहा है दीपक वो बुझ जाएगा। तो प्रेम की जो गति होती है वो गति ही कैसी होती है, बहुत कुटिल होती है, उसको केवल प्रेमिक जन ही समझ सकते हैं, उसको बाहर का कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। और विशेष रूप से जो गोपी प्रेम है, जिसकी हम जितनी भी कथाएं सुन ले, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोलते थे कि जब तक एक जीव का गोपी के गर्भ से जन्म नहीं होगा वो ब्रज के प्रेम को समझ ही नहीं सकता, केवल इंगित मात्र ही हम लोग कुछ उसका आभास समझ सकते हैं। तो बताया कि ये प्रेम फिर और बढ़ जाता है जब क्या होता है वामता और दुर्लभता निवारणता वामता। कई बारी तो राधा जी, कई बारी तो ऐसा होता है कि राधा जी कृष्ण से मिलने के लिए ये प्रेम इतना व्याकुल कर देता है राधा जी को कि राधा जी को हर जगह ही कृष्ण नजर आते हैं। राधा जी आज एक वृक्ष वन में गई है, उस वन में चारों तरफ उनको तमाल वृक्ष नजर आ रहे हैं। वो कह रही है कि अरे पहले तो एक कृष्ण था जो छलिया था, या तो सारे ही कृष्ण बन के मेरे को छलने के लिए आ गए हैं। उतने में ही सामने राधा जी एक बड़ा सुंदर तमाल वृक्ष दिखती है, और ये तमाल वृक्ष नहीं है, ये कृष्ण ही क्या करते हैं ऐसे करके वृक्ष के रूप में खड़े हो जाते हैं और अपना पीताम्बर उतार देते हैं। तो राधा जी की सखी जो ललिता जी है उनको कृष्ण के पास लेके जाती है, और ये कौन है, कृष्ण ही है, वृक्ष बने हुए हैं। तो बोलती है तू यहीं पे खड़े रहे, अभी हम कृष्ण को ढूंढ के आते हैं। उतने में ही राधा जी क्या करती है, कृष्ण को ही पकड़ के और उनका आलिंगन करते हुए बोलती है अरे तमाल वृक्ष तू तो धन्य है, अगर तू ब्रज में ना होता तो मेरे प्राण ही छूट जाते। जब भी कृष्ण के विरह में होती हूँ तो तेरे दर्शन करके ही मैं अपने विरह को शांत करती हूँ। लेकिन वो कौन है खड़े, वो कृष्ण ही है। तो ये प्रेम की ऐसी स्थिति है जो परकीय रस में ही बहुत आगे तक जाता है। प्रेम के बहुत सारे सोपान है, बताया स्नेह, प्रेम स्नेह प्रणय मान राग अनुराग करते करते मोदन मादन तक ये जाता है। लेकिन जो द्वारका की जो महर्षियां हैं, द्वारका की महर्षियों में स्नेह से आगे नहीं है, राग अनुराग भाव महाभाव ये सब उनके अंदर नहीं है, ये सारे के सारे भाव केवल ब्रज की गोपियों में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परकिया रस है। फिर चौथा बताया प्रचंड कामता, जिसके अंदर इन तीन चीजों के कारण क्या होता है, गोपियों का जो प्रेम है वो इतना बढ़ जाता है, जिसके लिए वो क्या करती है, पति सुतान वये भ्रातिर बांधवान अति विलंगित अचुत आगता गति विदस्तवोद्गीत मोहिता। जिसके अंदर गोपियां क्या करती हैं, अपने पति को, अपने पुत्रों को, भ्रातों को, सबको छोड़ के, यहाँ तक कि जो उनका अपना कुल मर्यादा है सबको छोड़ के क्या करती हैं, कृष्ण के प्रति धावित होती हैं। ऐसा प्रेम जिस प्रेम के आगे कृष्ण ने भी क्या किया, अपनी पराजय स्वीकार कर ली, और कृष्ण ने भी बोल दिया, गुरुदेव बोलते थे श्रीमद भागवतम का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक कौन सा है, ये वाला श्लोक, ना पार्यो अम निर्बद्धे संयुजाम, जिसमें कृष्ण ने गोपियों को बोल दिया कि मैं तुम्हारे प्रेम का पार नहीं पा सकता। विभूत आयुष अपिवा, अगर मुझे ब्रह्मा जितनी लंबी आयु मिल जाए, इतनी लंबी आयु मिलने के बाद भी गोपियों में तुम्हारे प्रेम का पार नहीं उतार सकता। जहां पे कृष्ण उनके प्रेम के ऋणी हो गए, ऐसा प्रेम जिस प्रेम के आगे कृष्ण भी सोचते हैं, यही प्रेम द्वारे राधिका अकेली अमार माधुर्य अस्वादे सकली, अरे मेरा माधुर्य तो अनंत है, उसको कोई कैसे सारा पान कर सकता है। एक तरफ है कृष्ण का माधुर्य जो कि अनंत है, और एक तरफ है राधा जी का प्रेम। बताया कि कृष्ण के माधुर्य को पान करने के लिए एक पात्र चाहिए, जैसे अभी हम लोग छाछ बांट रहे थे, अगर आपके पास गिलास ना हो तो छाछ पी पाते, पात्र तो चाहिए। तो बताया कृष्ण के माधुर्य को पान करने का पात्र क्या है, क्या है, कृष्ण को माधुर्य को पान करने का पात्र है प्रेम। क्या है, प्रेम। कंस के पास ये प्रेम नहीं था, इसलिए वो क्या उनका माधुर्य पान कर पाया, नहीं कर पाया। जिसके पास ये प्रेम रूपी पात्र है वो ही कृष्ण के माधुर्य को पान कर सकता है। तो बताया भाई अगर आपके पास छोटा गिलास है तो उसके अंदर ये सुनने कि आप 10 लीटर 20 लीटर छाछ डाल दोगे, तो जिसके पास जितना पात्र है वो कृष्ण का उतना ही माधुर्य पान कर सकता है, और कृष्ण का माधुर्य कैसा है, अनंत। बताया कि राधा जी का प्रेम कैसा है, तो बताया कि यही प्रेम द्वारे राधिका अकेली, कि राधा जी क्या करती है, अकेले ही अपने प्रेम के द्वारे कृष्ण का सारा का सारे माधुर्य पान कर लेती है, ऐसा उनका प्रेम है। तो यहाँ पे बहुत सारी बड़ी ही सुंदर परकीय रस की लीलाएं हुई हैं। एक लीला को हम श्रवण करते हैं, बाकी फिर हम महाराज जी से कुछ लीलाओं को श्रवण करेंगे। यहीं पे ही पास में एक निकुंज में राधा जी का सब गोपियों के साथ मिलन हो रहा है। उतने में ही क्या होता है, जटीला कुटीला को पता चल जाता है। तो जटीला कुटीला भागती है देखने के लिए कि देखो तो सही, हमारी बहू सूर्य पूजा करने गई है, या सूर्य पूजा के बहाने हमारे कुल का ही नाश करने गई है। तो जटीला कुटीला दोनों जाती हैं,
उस निकुंज की ओर जहाँ पे आज राधा जी कृष्ण के साथ मिलन कर रही है। उतने में ही राधा जी के जो सुखसारी हैं वो भागे भागे आते हैं और राधा जी को ये मैसेज दे देते हैं कि जटिला कुटिला आ रही है। और ब्रज में दो ऐसे नाम जिससे कृष्ण भी डरते हैं वो क्या है, जटिला और कुटिला। यहाँ तक कि सुबह जब भोर में जब मंगला आरती होती है, जैसे हम होते हैं ना सुबह, मैया हमें बार बार उठाती है, उठते नहीं है, जगत में सबको देखने को मिलता है, ऐसी राधा जी की सखियां राधा जी को सुबह बहुत प्रयास करती है उठाने का निकुंज से, कृष्ण को भी बहुत प्रयास करती है, दोनों उठते ही नहीं है, फिर उनके पास भी यही अस्त्रो शस्त्र रह जाता है, उठ जाओ नहीं तो जुटीला गुटीला आने वाली है, तो वहां पे डर जाते हैं। तो अब जुटीला गुटीला आ रही है, करे तो करे क्या। उतने में ही कृष्ण कहते हैं रुको अभी मैं कौतुक रचता हूं। तो कृष्ण अभिमन्यु का वेश धारण कर लेते हैं और उसी मार्ग में चलना शुरू करते हैं जिस मार्ग से जुटीला और कुटीला आ रही है। और सामने देखते हैं, अरे मैया तू यहाँ पे क्या कर रही है, अरे तुझे पता नहीं है हमारी बहू जो है ना सूर्य पूजा के बहाने पता नहीं यहाँ पे क्या रंग खिलाने आई है, अभी जाके पकड़ेंगे उसको रंगे हाथों आज। अभिमन्यु कहते हैं अच्छा, अभी अभी मेरा एक बैल आज मेरे हाथ से खो गया, भाग गया कहीं, मेरे को अपने बैल के खोने का इतना दुख नहीं जितना मुझे इस चीज का दुख हो रहा है कि हमारे घर की बहू किसी पर पुरुष से मिल रही है, मैं यही निकुंज में छुपा हुआ हूं और तू मुझे आके पूरा संदेश बताना कि हुआ है क्या, क्या देखती हो क्या नहीं देखती। तो कृष्ण वहीं पास में छुप जाते हैं और जटिला और कुटिला पहुंच जाती है उसी कुंज में जहाँ पे राधा जी ललिता विशाखा सब हैं, और वहां पे जाके पूछती हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। बोलती क्या कर रही है, जो रोज करने आती है वही करने आई है, सूर्य पूजा कर रही है। अच्छा तुम सूर्य पूजा करने के लिए आई हो, बताओ ये सामने निकुंज का जो द्वार है इसके अंदर क्या है। निकुंज के अंदर बड़े ही सुंदर सुंदर द्वार होते हैं जिसके अंदर फिर शैया होती है जिसमें राधा कृष्ण का विश्राम होता है। तो ललिता जी बोलती है अरे इस निकुंज के द्वार के अंदर हमें क्या पता कौन है कौन नहीं, किसी वन देवता का होगा, हम क्यों जाके देखें। तो जटिला बोलती है नहीं इस द्वार को अभी खोलो। ललिता बोलती है अरे किसी वन देवता का द्वार हम कैसे खोल सकते हैं, कोई मर्यादा होती है नहीं होती। वो बोलती है अच्छा किसी का द्वार खोलना तुम्हें आता नहीं और अपने द्वार खोल खोल के परपुरुष को अपने घर में घुसाती रहती हो, खोलो अभी कभी द्वार। तो वहीं पे जटिला और कुटिला उस द्वार को लात मार के खोलती है और अंदर जाके देखती है एक कुसुम शैया के ऊपर राधा जी की गले का हार पड़ा है और वहीं पे ही कृष्ण का भी हार पड़ा है। और दोनों हार बाहर लेके आती है और पूछती है राधा जी से बताओ ये क्या है। राधा जी कहती क्या है, नहीं ये दूसरा हार किसका है। राधा जी बोलती है मेरी इतनी सारी सखियां इनमें से किसी का होगा, नहीं नहीं मैं पक्का समझती हूँ दूसरा हार कृष्ण का ही है और अभी के अभी जाके मैं ये हार जो है पूरे ब्रज में सबको जाके दिखाऊंगी। बोलती है कि पूरे ब्रज में क्या, पूरे विश्व में जाके दिखा, जब हमारा हार ही नहीं है तो क्यों बदनामी कर रही है। तो जटिला कुटिला बाहर आती है और वहीं पे जाती है जहाँ पे कौन छुपे हुए थे, अभिमन्यु, कृष्ण वेशधारी अभिमन्यु। तो वहां पे जाके उसको बोलती है कि देखो हमारी बहू को आज मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया, ये जो एक हार है ना एक तो किसका है राधा जी का और ये दूसरा हार पक्का ही कृष्ण का है क्योंकि इस हार को पहने हुए मैं कृष्ण को कई बारी देख चुकी हूँ, अब तुम इस हार को लेके जाके ब्रज में सबको दिखा दो। तो अभिमन्यु कहता है कि अभी के अभी इस हार को मैं लेके जाता हूँ और सीधा कंस के पास जाता हूँ और कंस को जाके मैं शिकायत लगाता हूँ किसकी, कृष्ण की, और तब जाके सबको पता चलेगा जब वहां से कुछ राजा के सिपाही आके इसको दंड देंगे। और सुनो जब तक मैं आना जाऊं घर में किसी को घुसने मत देना क्योंकि मैंने ये सुना है कि कृष्ण ने क्या किया है, मेरा ही जैसा वेश धारण कर लिया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जैसा वेश धारण करके कोई दूसरा भी मन्यु घर में घुसाए। उतने में राधा जी अपने घर में इसी स्थान पे आ जाती है ललिता विशाखा जी के साथ और कृष्ण जो भी मन्यु बने हुए हैं वो भी यहीं पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं कंस के पास वो हार दे के आ गया हूँ और अभी जो कृष्ण है जो अभिमन्यु बना हुआ है वो भी बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाला है, इसलिए किवाड़ बंद कर दो और ऊपर छत पे जाके खड़ी हो जाओ। तो इसी छत के ऊपर खड़ी हो जाती है जाके कौन, जटिला कुटिला, और यहाँ पे अंदर कौन है कक्ष के अंदर, राधा जी और कृष्ण। अब उतने में जब सामने से अभिमन्यु आता है तो जो उनकी बहन और उसकी माँ लगी जटिला कुटिला हाथ में एक ढेला ले लेती है और बहुत गंदी गंदी गालियां दे देके उसको वहां पर से ढेला मारना शुरू करती है और अभिमन्यु देखता है कहीं ऐसा तो नहीं मेरी माँ और मेरी बहन को कोई भूत सूत लग गया है और वो भाग जाता है कि चलो भाई किसी झाड़ा करने वाले को लेके आता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। एक गुरुदेव और एक विशेष बात बताते थे कि जब अभिमन्यु का विवाह हो रहा था, अभिमन्यु का जब विवाह हो रहा था तो कृष्ण अभिमन्यु के क्या लगते हैं कौन बताएगा, मामा लगते हैं। और इस जगत में भी होता है ना जब शादी होती है मामा की तो भतीजे को क्या करते हैं साथ में बिठा देते हैं। तो जब अभिमन्यु का विवाह हो रहा था उसी दिन क्या किया, अभी जब फेरे लेने के लिए बैठे राधा जी और अभिमन्यु तो उसी समय कृष्ण को, कृष्ण उनकी गोद में जाके बैठ जाते हैं अभिमन्यु की। और जैसे ही अभिमन्यु की गोद में कृष्ण बैठे, अभी फेरे लेने शुरू नहीं किए थे, बैठते ही क्या करते हैं उसका पूरा पुरुषत्व हर लेते हैं और वो देखता है कि उसको चक्कर आ जाते हैं मेरे साथ हुआ क्या है, मेरा तो पूरा पुरुषत्व अभिमान ही चला गया।
और वो इस चीज को समझ ही नहीं पाता और उसको वहीं पे चक्कर आते रहते हैं, और जितना भी स्वाहा स्वाहा करना होता है वो तो बेचारा कठपुतली की तरह बैठा रहता है, और भांजा ही सारे क्या करते रहते हैं, स्वाहा स्वाहा करके राधा जी के साथ शादी फिर किसकी हो जाती है, कृष्ण की ही हो जाती है। इसलिए बताया कि केवल ये अभिमान मात्र है कि ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति हूं, लेकिन कभी ब्रज की गोपियों की छाया को भी वो स्पर्श नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे काली जी की अंदर मूर्ति देखी होगी, काली जी कृष्ण काली बने हुए हैं, उसकी कथा हम महाराज जी से सुनेंगे। गौर प्रेमानंदे हर विशाखा दीदी सुनाए काली कृष्ण की। ओम अज्ञानतिम रंधस्य ज्ञानमतिराख्याय चक्षुरुन्मीलितमेव तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय रूपेश्वरावतारे श्रीमती भक्तिवृन्दनारायण गोस्वामी के नाम में। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में नंदकोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी के चरणों में नंदकोटि दंडवत प्रणाम, पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी के यहाँ पर उपस्थित मेरे गुरु भाई बहनों के चरणों में दंडवत प्रणाम, आप सभी तथा उपासकों को भी मेरा दंडवत प्रणाम। यहाँ पे आपने अभी एक दर्शन किए ना, इस तरफ यहाँ पे जो कृष्ण जी हैं वो काली माता बने हुए हैं और साथ में राधा रानी, तो ऐसा क्या लीला हुई थी यहाँ पे। यहाँ पे एक बार राधा रानी बाहर नहीं जा पा रही थी कृष्ण जी से मिलने, तो कृष्ण जी स्वयं आ गए थे राधा रानी से मिलने के लिए। तो राधा कृष्ण जी एक कमरे में थे और सखियाँ थी सभी, और बाहर से जटिला कुटिला ने वो देख लिया कि कृष्ण जो है कमरे में है, तो उन्होंने क्या किया, बाहर से कुंडी लगा दी और सारे गांव में हल्ला मचाने चली गई कि देखो तुम जो कहती थी मैं झूठ बोल रही हूँ, आज मैंने सबको रंगे हाथे पकड़ लिया, मेरे घर में ही है कृष्ण, आ जाओ सब आ जाओ, सबको लेके यहाँ पे आती है। और यहाँ पे जैसे ही दरवाजा खोला जाता है तो कृष्ण जी को उन्होंने चुनरी उड़ा के सखियों ने और ये बना के बिल्कुल काली माता का रूप बना देते हैं। कृष्ण जी ऐसे जीभ निकाल के बिल्कुल काली माता बन के खड़े होते हैं और कोई भी पहचान नहीं पाता कि कृष्ण है या काली माता है, तो सभी उल्टा जटिला कुटिला को डांटते हैं कि अरे तू तो अपनी बहू को जो है बदनामी कर रही है झूठे में, ये तो तेरी बहू जो है काली देवी की पूजा कर रही है तेरे घर की सुख शांति के लिए और तू इसकी बदनामी करती है, उल्टा उन्हीं को डांटते हुए सभी चले जाते हैं। एक और लीला यहाँ पे हुई, जो राधा रानी हैं उनको दुर्वासा ऋषि से ये वरदान प्राप्त था कि उनके हाथ का बनाया हुआ खाना जो भी खाएगा उस पर कोई विपदा नहीं आएगी, कोई उसकी उम्र लंबी होगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। तो ये बात जो है यशोदा मैया को पता चल गई। यशोदा मैया तो बहुत चिंतित रहती थी क्योंकि आए दिन कोई नया नया असुर भेजते थे कंस, तो कंस कृष्ण जी के ऊपर कोई ना कोई विपदा आती रहती थी, तो उन्होंने जटिला कुटिला को बहुत मनाया, उनको बहुत सारे उपहार दिए और इस बात के लिए राजी किया कि प्रतिदिन राधा रानी नंदगांव आएंगी रसोई बनाने के लिए कृष्ण जी के भोजन के लिए। तो इस तरह से रोज आती थी राधा रानी अपनी सखियों के साथ और कृष्ण जी के लिए भोजन बना के वापस आती थी। इसके बदले में यशोदा मैया जटिला कुटिला को बहुत सारे उपहार देते थे ताकि वो कभी आना बंद ना कर दे राधा रानी का, क्योंकि वो थोड़ी लालची थी तो वो उपहार के बदले भेजती रहती थी के चली जाओ वहां पे वो बनाने के लिए। तो एक बार यशोदा मैया एक बहुत सा बड़ा सा संदूक में बहुत आभूषण कीमती आभूषण वस्त्र सब ऐसे रख रही थी, पूरा भरा हुआ था, और अभिमन्यु को बोला मैं राधा रानी के लिए बहुत कीमती सामान भेज रही हूँ, तुम खुद आओ स्वयं आओ ये लेने के लिए क्योंकि बहुत कीमती सामान है। तो अभिमन्यु स्वयं आया, किसी नौकर को नहीं भेजा के बहुत कीमती सामान है मैं ही लेके चलता हूँ। तो वहां अभिमन्यु आए हुए थे और जो है कृष्ण जी ने देखा मैया संदूक सजा रही है, तो बोली मैया ये कृष्ण जी बोले मैया ये किसको देगी, ये तूने किसके लिए रखा है, तेरे लिए है ये, किसको देगी। तो यशोदा मैया ने उनको बाहर भेज दिया, जा तू यहाँ से जा नहीं। तो ऐसे करके बहुत पूछने पे किसी तरह से कृष्ण जी को पता चल गया ये तो सारा कुछ राधा रानी के पास जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपने दोस्तों को बुला लिया सखाओं को और सारा सामान संदूक से बाहर निकाल दिया, स्वयं उस संदूक में बैठ गए और बाहर से वापस ताला लगवा लिया। अब जो है अभिमन्यु अपने सर पे ढोके ले जा रहा है किसको, कृष्ण को, भर के संदूक में अर्सियम लेके जा रहा है। और यहाँ पे आके इसी घर में यहाँ पे जटिला कुटिला को बोला कि बहुत कीमती सामान है, उन्होंने बोला है ये राधा रानी के लिए है। तो जटिला कुटिला बोली अंदर संभाल के रख दे, यहाँ मत रख, बहू के पास दे दे। तो उन्होंने कमरे में भिजवा दिया राधा रानी के पास। जब उस कमरे में पहुंचा तो वहां सखियां थी, सभी कौतुकवश देखने लगी कि यशोदा मैया ने क्या भेजा राधिका के लिए। तो जैसे ही ताला खोला उसमें से निकले हमारे कौतुकी श्याम सुंदर,
और सभी लड़कियां यहाँ पे एकदम से हर्ष का माहौल हो गया, सभी वहाँ पे ताली बजा बजा कर हंसने लगी और बहुत सुंदर सा राधा कृष्ण का मिलन हुआ यहाँ पर। और एक बार ऐसे ही जो प्रभु जी ने अभी बताई है कि राधा रानी जो है माननी हो गई, और राधा रानी माननी हो गई और जा नहीं रही थी यहाँ से, किसी तरह से जा नहीं पा रही थी बाहर, जटिला कुटिला का भी पहरा था। तो कृष्ण जी जो है बहुत उत्सुकता में बैठे थे कि राधा रानी किसी तरह से आ जाए उनसे मिलने, और वो नहीं आ पा रही थी। तो जो सुबल सखा है वो देखने में राधा रानी जैसे हैं, उनकी हाइट और रंग रूप राधा रानी जैसा है। तो सुबल सखा ने बोला कि मैं ही कुछ जाकर करता हूँ। तो सुबल सखा यहाँ पर आए, अपना एक बछड़ा छोटा सा उन्होंने अंदर मतलब ऐसे आए घुसा दिया, और आके जटिला कुटिला से बोले मैया मेरा बछड़ा खो गया, तुम्हारे खिड़क में तो नहीं है? खिड़क होता है जहाँ पे गऊ के रखने का स्थान। तो जटिला कुटिला बोली जाके देख ले। तो इस तरह से अपने बछड़े को लेने के उसमें अंदर तक आए और फिर राधा रानी तक पहुंचे, और राधा रानी को बताया कि कृष्ण किस तरह से विराग आतुर होकर अपने आज तो प्राण ही दे देंगे। बोले आज अगर राधा रानी से मैं नहीं मिला तो यहीं पे प्राण दे दूंगा। राधा कुंड पे बैठे थे तो सखियों ने बोला अब कैसे किया जाए। तो वहां पे सुबल सखा ने बोला तुम मेरे वस्त्र पहन लो, मैं तुम्हारे वस्त्र पहनकर यहाँ बैठ जाता हूँ। तो उस दिन राधा रानी ने सुबल सखा का वेश धारण किया, जो अभी गोपाष्टमी गई ना उस दिन की ये लीला है। सुबल सखा का वेश धारण किया और यहाँ से एक छोटा सा बछड़ा ऐसे अपनी गोदी में ले लिया, और जाते हुए सुबल सखा की आवाज में ही बोली, जटिला कुटिला बोली तेरा बछड़ा मिल गया? बोले हाँ मैया मिल गया, और बोल के निकल गई। तो राधा रानी छोटा सा बछड़ा लेके पहुंच गई, और वहां पे राधा कुंड पे जाके कृष्ण भी पहचान नहीं पाए कि ये सुबल है कि राधा रानी है। तो बोले सुबल सखा बोले सुबल की आवाज में राधा रानी बोली आज तो जटिला कुटिला का बहुत सख्त पैर है, वो आने नहीं दी किसी तरह से। तो कृष्ण जी बोले तो बस आज मैं प्राण नहीं धारण करूंगा, ऐसे करने लगे। तो उन्होंने फिर स्पर्श किया, हाथ पकड़ा राधा रानी, स्पर्श से पहचान पाए कि तो राधा रानी आ गई। तो इस तरह से राधा रानी का उस दिन सारे मंदिरों में जो है गोप वेश में दर्शन होते हैं। पूरे साल में एक ही दिन राधा रानी के चरण दर्शन होते हैं, क्योंकि उन्होंने गोप वेश धारण किया, लहंगा की बजाय धोती पहनी होती है। तो फिर जब वापिस कैसे आएंगे, राधा रानी चली तो गई बाहर, वापिस कैसे आएंगी? तो फिर सुबल सखा जो बने हुए थे घूंघट निकाल के सखियां सारी जटिला कुटिला के पास गई कि हम जो है पानी भर के ले आते हैं, तो राधा जी को लेके जा रहे थे। इस तरह से राधा रानी का वेश धारण किए हुए सुबल सखा बाहर गए, वहां से फिर वापिस आए। इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे लीलाएं होती रहती। आप लोगों ने कभी ये कथा सुनी थी? नहीं ना, इसलिए अगर भक्तों को साथ में आओगे ना ये सब प्यारी प्यारी कथा सुनने को मिलेगा। मैं एक दो कथा सुना, अगर रोज सुनना चाहते हो प्रभु जी के तो कोर्स में जुड़ जाओ, फिर तो ये विशाखा दीदी आपको रोज रोज नई नई कथा सुनाएंगे। इसलिए ये कथा को हमारे गोस्वामियों ने ग्रंथ में वर्णन किया है। ये स्थान का नाम क्या है? जाबट। जाबट मतलब क्या होता है? चा मतलब होता है जो, बट मतलब यहाँ पर पहले एक विशाल बट वृक्ष था। एक समय कृष्ण यहीं पर उन्होंने सुंदर सुंदर मीठी मीठी प्यारी प्यारी बंसुरी बजाई। जब बंसुरी बजाए सखियां राधा रानी को श्रृंगार कर रही थी, और कृष्ण का बंसी ध्वनि इतने मीठी इतने सुंदर आवाज थी, वो बंसी ध्वनि सुनते ही राधा रानी बाबरी बन जाती थी हैं। इसलिए वो बंसी ध्वनि सुनते ही राधा रानी तो पागली नहीं होकर भागते भागते आई। जब यहीं पर आए कृष्ण ने देखा राधा रानी का सारे श्रृंगार हो चुका है, लेकिन एक श्रृंगार बाकी है। बोले क्या? बोले प्यार में अभी आलता मेहंद नहीं लगाए। इसलिए यहाँ पर एक वृक्ष था जिसका नाम था जाबक। वो वृक्ष का जो पत्ता अब रगड़ोगे ना उसका जो रंग है ना मेहंद जैसे आलता जैसे हैं। इसलिए कृष्ण ने वो जाबक वृक्ष का रस को उन्होंने निकाल करके अपना हाथों से श्री राधा रानी के चरण में उन्होंने ये मेहंद लगा दी, आलते लगा दी। इसलिए ये स्थान का नाम हो गया जाबट बाजा बक। जाबट मतलब होता है जिस बट वृक्ष को नीचे, जाबक मतलब होता है वो जाबक वृक्ष का जो जूस को रस को राधा रानी के चरण में पहना दिया, इसलिए इसका नाम हो गया जाबट बाजा बक नाम पड़ा। इसलिए यहीं पर राधा रानी की शादी यहीं पर हुई थी। अभी राधा कृष्ण की शादी होने के जा रही थी, राधा कृष्ण शादी हो जाएगी। इतने में जोगमाया, ये जोगमाया कौन है? जो सारे ब्रज का सारे राधा कृष्ण का लीला को जो कराने वाले जोगमाया।
अभी उन्होंने देखा अगर इनकी शादी हो जाएगी, अभी सुन रहे थे ना, अगर शादी हो जाए पत्नी पहले कैसे लगती है, चंद्रमुखी। कहते एक चंद्रमा तो आकाश में और एक चंद्रमा हमारी पास में, देखना वही चंद्रमुखी कुछ दिन बाद में फिर सूरजमुखी बन जाती है, फिर वही सूरजमुखी बाद में ज्वालामुखी होकर प्रकट होती है, फिर तो लड़ाई झगड़ा अशांत है। इसलिए अगर ये गोलोक, और एक चीज समझो, ये गोलोक वृंदावन में ये राधा कृष्ण नित्य विहार करते हैं, नित्य विहार। गुरुदेव एक अच्छी बात कहते थे, जैसे यहाँ पर कहीं दिखाया शादी हुई, हम गए थे ना बंसी, ये भांडरी बट गए थे, ब्रह्मा स्वयं शादी करवाया, शायद आज भी जाएंगे और एक जगह पर भी इनकी शादी हुई, ब्रज में तीन चार जगह पर राधा कृष्ण की शादी हुई, लेकिन कहीं कहीं दिखाए शादी नहीं हुई, कहीं दिखाए शादी हुई, कहीं दिखा शादी नहीं हुई। शादी हुई किसके लिए दिखाया, जो साधारण व्यक्ति, हमारी जो वैदिक संस्कृति है, शादी को बाद में ही पति पत्नी मिलते हैं, अगर शादी के बगैर जो मिलते हैं उसको क्या करते हैं, अपवाद, उसके लिए हम लोग लांछना कहते हैं, उसके लिए निंदा होती है, बगैर शादी से कोई लड़का लड़की हमारी संस्कृति के अनुरूप मिल नहीं सकते। इसलिए गुरुदेव एक अच्छी बात कहते थे, जैसे मानो यहाँ पर वृंदावन में कोई पति पत्नी शादी यहीं पर हुई, यहीं पर कोई नौकरी कर रहे थे, अभी उनकी नौकरी ट्रांसफर हो गई दिल्ली में, फिर जब ये ट्रांसफर होकर दिल्ली जाएंगे फिर दोबारा शादी होगा कि नहीं, बोलो। यहाँ शादी हो गई, पति पत्नी दोनों रह रहे, इनकी ट्रांसफर हो गई वृंदावन से दिल्ली में, अभी वहां शादी होगी कि नहीं, फिर नहीं होगी, क्यों शादी क्यों नहीं, अगर वहां से फिर कलकत्ता चले गए शादी होगी कि नहीं, नहीं होगी, क्यों शादी। उसी तरह गुरुजी कहते थे ये गोलोक वृंदावन में नित्य विद्यमान प्रिया प्रियतम रूप में, ऐसे नहीं फिर यहाँ आए तो दोबारा शादी हो, फिर और कहीं जाए तो दोबारा शादी हो, तीसरा बार शादी हो, ऐसे नहीं होता है, एक बार जब शादी हो गई शादी हो गई। इसलिए जो सिद्धांत दृष्टिकोण से चाहते हैं उनकी शादी हुई है, इसलिए जीव गोस्वामी दिखाए, लेकिन जो रसोपासक है, रसोपासक में ये चीज नहीं दिखाई, बोले क्यों, अभी राधा कृष्ण की शादी की बात चल रही थी, अभी पौर्णमासी को पास में सब कुछ ये पुरोहितानी सब यही काम कराने वाली, अभी जब इनकी शादी होने जा रही थी इतने में देखा, बल अगर इनकी शादी हो जाएगी ना, जो मिलन में ना जो उत्कंठा, अभी सुन रहे थे ना कृष्ण क्या क्या रूप बना करके, क्योंकि परकिया प्रेम में एक वस्तु दुर्लभता दिखाया, जैसे देखो अब लोग कहाँ पर रह रहे हो, अभी कहाँ पर रुके, वृंदावन में, कोई यमुना स्नान किए हो, नहीं किए, कोई एक दो कोई दिया, लेकिन देखना अगर बहुत दूर, अगर 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर जाता भाई यमुना चलो वहां पर नहा करके आएंगे, लेकिन वृंदावन में जो रहते थे ना आचमन तक भी लेने नहीं जाते, क्योंकि कारण है जो पास में जो चीज रहता है ना उसका हम महत्व हम नहीं देते हैं। जैसे आप लोग बड़े दूर दूर से आए यहाँ पर दर्शन, यहाँ के गांव वाले को पूछो कभी आते हैं मंदिर, कभी आते हैं नहीं आते, इसलिए कहते राधा कृष्ण की अगर इनकी शादी हो जाएगी ना जो सुलभता होगा प्रेम नहीं रहेगी, अगर जो वस्तु दुर्लभता हो गई, देखना शादी की पत्नी बड़ी प्यारी बड़ी सुंदरी बहुत अच्छी, अब देखना एक दूसरे लड़की से शादी हो जाए भले ही दांत निकली हुई हो काली कलूटी हो, देखना अगर प्रेम हो जाएगा ना शादी, उसको मिलने के लिए कितना उत्कंठा, कारण क्या वो वस्तु दुर्लभ से मिलता है। इसलिए यहाँ पर राधा कृष्ण बोले देखो अगर हमारी शादी हो जाएगी ना हमारे मिलन में उत्कंठा नहीं रहेगी, इसलिए ये जोग माया ने किया कि वृषभानु महाराज को बोल दे, बोल वृषभानु महाराज अगर ये बेटी को कृष्ण को साथ में शादी दोगे ना, ये मांगली अगर शादी दोगे ना ये तुम्हारी बेटी हर समय नहीं रहेगी, शादी के बाद लड़ाई झगड़ा फिर डाइवोर्स हो जाएगी, इसलिए कृष्ण से शादी मत करा, मना कर दी, क्यों इनके आसानी मिलन आसानी से हो जाएगी। बोले बताओ फिर कहाँ शादी करे, बोले यहीं पर जावट में एक आयना घोष का बेटा जिसका नाम अभिमन्यु है उसका आयना घोष भी है, वो भी बड़े धनाढ्य घर के हैं, इसलिए आप वहीं पर शादी करो बेटी तुम्हारी खुश रहेगी। अभी राधा कृष्ण जब मिले इतने में राधा रानी बोले श्याम सुंदर मैं क्या सुन रही हूँ, मेरी शादी आपसे नहीं होगी और किससे होगी। तब कृष्ण बोले देखो राधे हम तो गोलोक वृंदावन में नित्य विराज है, लेकिन अगर यहाँ पर शादी हो जाएगी मिलन का उत्कंठा खत्म हो जाएगी, देखो जिसको साथ में शादी होगी वो और कोई नहीं मैं हूँ, जो अभिमन्यु जो आयना घोष और कोई नहीं मैं हूँ, वो मैं दूसरे रूप धारण किया हूँ वहां पर और वो कोई नहीं है वो मेरा रूप है। इसलिए जब शादी होगी ना, अब जो प्रभु बोल रहे थे जिस दिन से शादी हो नपुंसकता उसकी पुरुषत्व खत्म हो जाएगी, वो नपुंसक बने हिजड़ा बन जाएगा है, वो गोष्ठ में रहेगा दिन भर गैया को चराने में रहेगा, लेकिन हम लोग छुप करके मिलेंगे क्योंकि जो दुर्लभ वस्तु उसकी
तब ये दुर्लभ जब मिलेंगे इसमें उत्कंठा रहेगी। जैसे घर में पति पत्नी है, पति बोलता है गिलास पानी उठा कर दे तो, बोले खुद पी नहीं सकते, उठा कर पी लो ना। पति अगर दिन भर रहे ना क्या होता है, तरह तरह का दोस्त देखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब साल में 10 साल में पति आए ना, देखना कितने प्यारी, कितने उनकी सेवा होती है। इसलिए कृष्ण ने ये बात बता दी, बोले बोले देखो जब शादी होगा, बता रहे थे मैं गोद में बैठ जाऊंगा उनकी, और जो मंत्र पढ़ेंगे ना बाढ़ो, मतलब मैं बोलता ना लड़का, मैं पत्नी रूप में ग्रहण कर रहा हूँ, उस समय मैं ही बोलूंगा बाढ़ो बाढ़ो, मतलब मैं राधा रानी को स्वीकार कर रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ। और जब माला बदलाओगे ना, मैं तो गोद में बैठा रहूंगा, अभी मन को वो मामा लगता है, मैं क्या करूंगा, अपना सर को ऐसे आगे कर दूंगा, माला उनकी गला में नहीं देकर माला मेरे गले में माला दे देना। और ऐसे हो गया, हंसी दिल से किसको पता ही नहीं चला शादी किससे हो गई, कृष्ण से शादी हो गई। तो एक समय जटिला और कुटिला, सास ससुर, सास ननद का नाम क्या है, ये जटिला कुटिला क्यों बना है, कारण क्या, जटिला मतलब जट पकाना, कुटिला मतलब कुट 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 करना है, हर समय जो बाधा दे राधा रानी को साथ में कृष्ण को मिलने के लिए, क्यों, आसानी से मिलन हो जाए तो मिलना खत्म हो जाएगी है, उत्कंठा खत्म हो जाएगी, कभी भी उन्होंने मिलने नहीं देते थे, इसलिए जटिला कुटिला। एक दिन जटिला कुटिला बोले देखो मैं कहीं दूर गांव में जा रहा हूँ, आते आते शाम हो जाएगा। जब राधा रानी को पता चला जटिला कुटिला दूर जा रहे हैं, अभी चलो जाओ कृष्ण को जाकर खबर दे दो, राजा कृष्ण यहाँ आ जाएगा और हम दोनों मिलेंगे। बस कृष्ण को खबर दे दिया, कृष्ण सीधा आ गए, क्यों जटिला कुटिला तो आ गए शाम को। अभी राधा कृष्ण दोनों मिल रहे थे, लेकिन जटिला कुटिला क्या हुआ, हठात उनकी कोई काम नहीं बनी ना, हठात जटिला कुटिला आ गई। जब जटिला कुटिला को सोच रहे शाम को आएगी, लेकिन थोड़ी देरी में बाद में आ गई जटिला कुटिला, सास और बहू, और देखा राधा कृष्ण को दोनों मिलन होते हुए, कृष्ण राधा रानी के चुम्बन कर रही थी, एकदम रंगे हाथों से कृष्ण और राधा रानी पकड़ गए। ए जटिला कुटिला तो लाल पीले हो गए, बोले मैं जानती हूँ तू क्या करती हो, हाँ मैं सोच रही थी मैं दूर गई थी, हठात कैसे बाई चाहिए, क्या हो रहा है। अभी राधा रानी कभी ये सखियां कभी कभी तो बात को बदला देते थे, लेकिन रंगे हाथों से पकड़ गए, अभी क्या होगा, राधा रानी इतने डर गई। लेकिन कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है, भगवान, भगवान किसको कहते हैं, को नहीं नहीं को जो है कर सकते। देखो कृष्ण कैसे बात को बदलाए। इतने में कृष्ण कहते हैं ए जटिला कुटिला क्यों चिल्ला रही हो, बोले चिल्लाऊंगी नहीं, तू मेरे बहू से क्यों बोल रही थी, मेरे बहू से क्यों तुम मिल रही थी, बोले मैं काम मिल रही, बोले आज मैंने देखा मुंह में मुंह लगाए हुए। इतने में कृष्ण कहते हैं जानते हो क्या हुआ, बोले क्या हुआ, तेरी बहू कहती है मैंने मक्खन खाया चोरी करके, मैंने कहा मक्खन नहीं खाया, वो कहती है खाया, मैंने कहा अगर मैं खाया मुंह में तो खुशबू होगा, सूंघ करके देख ले इसलिए तेरी बहू मेरे मुंह को सूंघ रही थी, लेकिन मैंने मक्खन नहीं खाया। बात बदली गई कि नहीं, क्यों भगवान है ना, एकदम झट बात को उन्होंने बदला दिया, क्यों भगवान है। इसलिए यहाँ पर इतनी लीला हुई। एक समय ऐसे ही बदनामी जब हुई, जो राधा रानी बता रहे थे ना, राधा रानी अमृत हस्ता वरदान मिला है, इनके हाथ का खाना अमृत, जो खाएगा वो अमर बन रहेगा, उसकी दीर्घायु होगा, कोई बीमारी नहीं होगा। इसलिए राधा रानी जाती थी कहाँ पर, नंदगांव में रसोई बनाती थी। एक दिन जटिला कुटिला बोले देख तू मेरी बहू है, मैंने क्या सुना तो बहाना बना करके जाती है रसोई बनाने के लिए, लेकिन कृष्ण से मिलती रहती, खबरदार आज से मैं तुमसे घर से निकलने नहीं दूंगी, मेरी बहू घर में रहो, कोई जरूरत नहीं दूसरे घर में जाने का। लेकिन राधा रानी एक लड्डू बनाती थी जिसका नाम मनोहर लड्डू, वो इतने स्वादिष्ट है, इतने काजू पेस्ता देकर बनाती थी, कृष्ण खाने के बाद में अगर लड्डू नहीं खाए ना पेट नहीं भरता। अभी जटिला कुटिला बंद कर दिए, राधा रानी तो दुखी, कृष्ण भी दुखी, अभी राधा कृष्ण से मिलन नहीं हो रहा है, अभी क्या किया जाए। राधा रानी ने बहाना बनाया, क्या बहाने बनाए, राधा रानी बगीचा में गई फूल चयन करने के लिए, और उन्होंने बहाना बनाया मेरे को एक काला सांप ने काट दिया, ए राधा रानी तो लोट पोट खाने लग गए, मेरे को सांप काट दिया, मैं मर जाऊंगी। जटिला कुटिला देखा हे भगवान मेरे बहू मर जाएंगे, रोने लग गए। इधर क्या हुआ, कृष्ण को पास में खबर पहुंचा दिया। कृष्ण ने क्या किया, एक सुंदरी लड़की श्यामा सखी बन करके, कृष्ण तो बहु रूपिया है ही है, बड़े सुंदर उन्होंने गोपी, प्यारी गोपी रूप बन करके वो आ गए कहां, कदी जो पौर्णमासी जोगमाया घर में, और नाम ले लिया विंध्यावली, और आए कहां से, मथुरा से, और श्री गर्गाचार्य की बेटी, और सब मंत्र भी सारे झाड़ फूंका सब कुछ जानती है। कृष्ण ये बनकर बैठी गए और गए भागते भागते, कहां पर भागते भागते, पौर्णमासी को पास में, बोले चिंता मत करो मेरी जो बेटी है ना वो आई मथुरा से, वो विंध्यावली हर तरह का झाड़ फूक जानती है, अगर किसको सांप काट दे तो उसकी जहर उतार देते हैं।
अभी कृष्ण स्वयं बन कर बैठे, और कृष्ण स्वयं मंत्र राधारानी को सांप काट दिया ना, वो बीज को उतारने के लिए कृष्ण स्वयं आ गए, और उनने सुंदर एक प्यारी एक सखी रूप बन करके कोई पहचान नहीं सकते हैं। इतने में और जो विंध्यावली नाम रख दिया, विंध्यावली देखो ये जो सर्प है कहाँ रहता है, शंकर जी के गले में है ना, शंकर जी गले में सर्प रहता है, इसलिए उन्होंने बोले देखो एक काम करते हैं, एक घर को अंदर में मेरे दो, मैं शंकर जी को पूछूंगा ये शंकर जी ये सांप को क्यों भेजा, सांप कटा मतलब शंकर जी ने भेजा क्योंकि शंकर जी गले में सांप है, मैं पूछता हूँ वो क्यों भेजा। कृष्ण को एक घर में दे दिया, कृष्ण ने दो गला दो आवाज निकली, कृष्ण एक आवाज से पूछ रहे हैं बोले भोले बाबा आप बताओ ये सांप तो आपकी गले में रहता है, आपने ये सांप का क्यों भेजा, और ये सांप जटला कुटला बहू को काटे क्यों। इतने में शंकर जी का आवाज आई, एक शब्द से पूछे दूसरे, इतने में दूसरी आवाज आई, दूसरे आवाज में शंकर जी कहते हैं बोले मेरे को शंकर जी ने कैलाश से भेजा, बोले क्यों, बोले इसने जो मेरे प्रभु शंकर जी का प्रभु कृष्ण मेरे प्रभु की रसोई के लिए इसकी बहू जाया करती थी, लेकिन इसने बहू को बंद कर दिया जाना, और मेरे प्रभु भूखे बैठे हुए, इसलिए शंकर जी बिगड़ गए, और शंकर जी सांप को भेजे पहले इसको, बोले उसको बहू को क्यों काटे, सांस ननंद उसको पति को नहीं क्यों काटे, बोले कारण है पहले इसको बहू को मारूंगा, उसको बाद में उसको बेटा को मारूंगा, फिर सांस और ननंद को दोनों काट कर मारूंगा। इतने जब सुने ना जटला कुटला बाहर खड़ी हुई थी रोने लग गई, बोले नहीं और मैंने बहू को मना नहीं करूंगी, मेरी गलती हो गई, रोज को बहू को भेजूंगी, रोज बहू को भेजूंगी और बहू रोज जाएगी, हैं रोज बहू जाएगी। इतने में बोले देखो पहले जिसको सांप काट दिया ना, जो मंत्र जो सांप के विष उतारते हैं पहले जो गुणी उसका तांबुल पहले सेवन करनी चाहिए, वो कौन कृष्णा। अभी कृष्ण राधा रानी किस लिए दुखी, कृष्ण विरह में दुखी, कृष्ण रूपी सर्प उसको काटा है। इतने में कृष्ण अपना अधरामृत को उन्होंने राधा रानी को खिलाया, जब कृष्ण की अधरामृत राधा रानी खाई उनके तो अपने आप सही हो गए, फिर उन्होंने थोड़ा सा ऊपर से झाड़ फूक किया, झाड़ फूका तो कुछ है नहीं, कृष्ण विरह रूपी सांप काटे हैं। इतने में कभी कभी देखना जहर तो उतर जाते फिर चढ़ जाती, ये नियम चढ़ जाती है। इतने में जटला कुटला कहती है देखो हो ना हो बीच में फिर ये एक बार तो उतर गया जहर, फिर दो बार चढ़ नहीं जाए, तुम्हें ये रात को मेरी बहू के साथ में तुम रहो, तो उनको पता कौन है विंध्यावली, ये तो लड़की है उसको पता नहीं कृष्ण ही विंध्यावली बनी बनी बैठे, यहीं पर राधा कृष्ण की यहीं पर मिलन हुई, इसलिए ये जो स्थान है दिव्य स्थान ये स्थान है, और यहीं पर ही अभी जो भजन गा रहे थे ना, जब हमारी भजन करते करते अगर कभी ठाकुर का आशीर्वाद होगा, कभी गोपी शरीर से कभी हमारी जन्म होगी बरसाना में राधा रानी गांव में, राधा रानी इसी गांव में शादी करती हैं, और जितने बरसाना की गोपियां हैं इसी गांव में शादी करती है जावट में, और सबके सब राधा रानी की सखी बन करके फिर यहीं पर आती हैं, और राधा रानी के अनुगत्य में यहीं पर श्री जुगल सरकार की सेवा करती हैं। ये जो स्थान है ना ये हमारे सब ससुराल है, ये हमारे ससुर घर है। एक दिन अगर भगवत प्राप्ति तभी होगी दिव्य जो भगवान का धाम है इसी गांव में ही तुम्हारी शादी हम सबकी शादी होगी, यहीं पर हम शादी करके आएंगे और राधा जी के अनुगत्य में हम कृष्ण सेवा करेंगे, इसलिए ये हमारी ससुर घर हम लोग आए। राधा रानी से प्रार्थना करो कभी ऐसे सौभाग्य हो इसी गांव में कभी शादी हो करके आए और यहाँ पर राधा कृष्ण की सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो। हाँ इसलिए राधा जी के साथ में कौन है, अभिमन नहीं है यहाँ पर, कौन है कृष्ण है, और कृष्ण है और कोई नहीं है। ये चीज को आप लोग तो अच्छे तरह समझने के लिए कोशिश करो, ठीक है। ठीक है हम लोग यहाँ से अभी चलेंगे कोकिलावन, जहाँ पर कृष्ण कोकिल स्वर से राधा रानी को बुलाया करते थे, ये स्थान अत्यंत दुर्लभ स्थान। हरे कृष्णा, हाँ देखो इधर सुन सुन, हरे कृष्णा, देखो ऊपर नंद गांव का जो मंदिर है वो 12:30 तक बंद हो जाता है, 11:30 हो चुके हैं अभी। कोकिला वन में हम लोग कोई कथा नहीं करेंगे, उतर के दर्शन करके वापस बैठ जाना और सीधा भागेंगे नंदगांव, और अगर किसी के नंदगांव में दर्शन नहीं हुए तो हमारे ऊपर नाम फिर बाद में मत लगाना, 2 मिनट के अंदर अंदर उतर के दर्शन करके वापस बैठ जाना, कथा वहीं ऊपर नंदगांव में ही कोकिला वन की भी करेंगे, ठीक है। वहीं पर कृष्ण कोकिल स्वर से राधा का नाम पड़ गया कोकिला, ठीक है, फिर उधर जाकर बैठ कर कथा सुनेंगे। अब आप लोग कोई लेट मत करो।